प्लीज सरा पकड़ा है भाई। शकील ब्लॉगर आ चुके हैं, आज जाएंगे पुराने दिल्ली मामा के। मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, ये दिख रहा हूँ बारिश कहाँ से स्टार्ट हो गई, ये क्या है। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के, मैं आपका भाई अनस पठान दोबारा आ गया हूँ एक और बहुत बेहतरीन व्लॉग के साथ, और बहुत बेहतरीन मौसम के साथ ये व्लॉग शुरुआत हो रही है इस व्लॉग की। और आप बाल देख सकते हो भाई, पता नहीं क्यों इतने मेरे बाल रफ हो रहे हैं। मैंने जब बाल कटवाए थे मैंने बोला था भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, उन्होंने बोला कंडीशनर नहीं करते हो, मैंने कहा नहीं, वो भी करना स्टार्ट कर दिया। जब भी आप देख सकते हो बालों की क्या हालत है, एकदम झाड़ू जैसे बाल हो रहे हैं। और बहुत से लोगों का मतलब पिछली वीडियो में कमेंट पड़ रहा था कि भाई बियर्ड रखा करो, भाई मैं तो रखना चाहता हूँ, आती नहीं है, हमारे आड़े टेढ़े बाल घुंघराले बाल आते हैं, तो इसलिए हम पहले हमें शौक था, हमने कहा अब आते ही नहीं है हमारी दाढ़ी, तो हम क्या ही कोशिश करें। मौसम देख सकते हो आप, बिल्कुल शानदार हो रहा है। और आप मुझे भेज रहे हो कि भैया ये रैपिंग एक बंदे ने मुझे भेजी, वो बहुत पसंद आई, तो देखते हैं और शाम तक कितनी आती है, तो फिर सोच समझ कर इसमें जल्द से जल्द इसको रैप करवा लेते हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम 3:30, और मौसम दिखाता हूँ आपको यहाँ का, दिल्ली का जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो ऐसा मौसम हो रहा है इस टाइम। भाई शकील व्लॉगर आ चुके हैं, आज कहाँ का व्लॉग बना के लाए भाई, है कहाँ का लाए बताओ तो। अरे देख लिया है, तुम्हारे चाल ढाल बदल गई है आजकल, ढंग से बात भी नहीं कर रहा हो, टेढ़े टेढ़े घूम रहा हो। कहाँ का व्लॉग बना के लाए तो बताओ, सारे पार्क घुमा दिए तुमने, लड़के लड़कियों के लिए तुम बढ़िया काम कर रहे हो, जिनको सारे विचित्र पार्क दिखा रहे हो उनका है सारे पार्क दिखा रहे हो तुम, गलत कर रहे हो, ये इतने पार्क भी मत दिखाओ ज्यादा पार्क, बच्चे मॉर्निंग वॉक करने थोड़ी जाएंगे वहाँ तो जी हम जिम आ गए थे एक्सरसाइज में, हम इतने खो गए कि हम बताना भूल गए। और यहाँ से हम जाएंगे पुरानी दिल्ली मामा के, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ काम है, तो अभी वर्कआउट कर लें फिर आगे की देखते हैं, बताते हैं जो भी होता है। चल उठवाना भाई, अच्छा उठवाना भी है क्या, चल बस छोड़ दे। सो जी हम मामा के घर आ गए हैं, जैसे कि हमने कहा था रास्ता हमने नहीं दिखाया, हम बहुत थक रहे थे। हेलो बोलो, ऐसे हेलो बस ही हेलो बोलो, और नाना बच्चों से पूछ लो ठीक हो। ठीक हो भाई तुम? नहीं मैं तो ठीक हूँ बच्चे, चलो नाना पूछ रहे हैं ठीक हो तो अभी आए हैं, खाना वाना खाया है, थोड़ी देर बैठते हैं फिर आपसे अभी आते हैं, आगे का सीन बताते हैं क्या चक्कर है क्या नहीं। आज हम दिखाते हैं अपनी ड्राइंग, आओ आओ दादा, तो ये देखिए मैंने बनाई है ये अपनी ड्राइंग, मैं दीवार पर छुपाई हुई, देख लिया अभी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फोर्थ क्लास में हूँ, मेरे जगह शायद आप बोल सकते हैं। अरे भाई तू तो हम जी देखो ये मैंने बनाई है ड्राइंग, झूठे ये मैंने बनाई है, आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट, आप देख सकते हैं ये मैंने ये वाली और एक ये वाली नहीं नहीं ये वाली और ये वाली मैंने खाला ने बनाई थी, मैंने आपको दिखा दी है। और क्या हाल चाल आपके, मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे दांत ठीक नहीं है अभी, ठीक है मैं भी ठीक हूँ हेलो भाई मैं भी ठीक हूँ ठीक है। तो जी ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 3:30 बज रहे हैं और रिक्शा मिला नहीं, तो साह से ऊपर नीचे हो गई हैं। हम मामा के घर आए इसलिए थे क्योंकि हमें काम था, कौन सा रेलवे स्टेशन है वो, नई रोहित, हाँ जी हाँ, कोई सा नई रोहिला करके वो है स्टेशन, 1 है 2
पहला वाला पहले वाले पे ही है। तो थोड़ा वहां पर पर्सनल काम है, फिर चक्कर मारे थे क्योंकि वहां से हमें लंबा पड़ जाता, हमने कहा यहीं बगल में ही है, क्या क्या करना पड़ता, ज्यादा ज्यादा लंबा वाला हो गया ये। तो वहां हमें पहुंचना है 4:20, तो थोड़ा हम जल्दी पहुंच जाएं ताकि मिस ना हो हमारा सीन, और थोड़ा पर्सनल काम है इसलिए बता नहीं सकता, वरना आपको पता आपका भाई आपसे कुछ छुपाता नहीं है, पर थोड़ी बहुत चीज़ें ना चाहते हुए भी छुपानी पड़ती हैं, तो ये काम उन्हीं काम में से मान लो। अच्छा खासा यहीं पे आ जाता ना नई दिल्ली, काम बन जाता, पर नहीं, पता नहीं कौन सा न्यू रोहिला सराय मेट्रो वो रेलवे स्टेशन है, हमने जिससे भी पूछ रहे हैं वो कह रहा भाई ये कहाँ है, मैंने कहा मैं जाके देख के आता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ ये कहाँ है। पार्किंग आ गए, गाड़ी हमारी आ जाएगी जल्दी, इतने हम भाई अपनी वो जिम वाले दोस्त की गाड़ी से काम चला रहे हैं। सो जी मुझे पता नहीं है मैं इस टाइम दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, बारिश कहाँ से स्टार्ट हो गई, ये क्या है, अरे ये कैसी बारिश है, रुक गई, हद हो गई है। तो जी हमारा काम हो गया है, हमने पूरा अपना काम निपटा लिया है, सक्सेसफुल हो गया है हमारा काम, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और ये बारिश कैसी है भाई, मेरे को ये समझ नहीं आया, अचानक से आपके सामने ही आपसे बतियाना शुरू करा, जब तक कुछ नहीं था और अब बारिश स्टार्ट हो गई, वाह वाह मौसम वाह। तो जी उजाला हो गया है और टाइम बच चुके हैं 6, हम लगभग ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। अब देखो घर पहुंच के, या तो अगर ये थोड़ा लेट आए तो समझ जाना यार, क्योंकि आपके सामने ये जो भी हो रहा है। अरे चल मेरे भाई, ये कोई जगह है रोकने की, तो अगर थोड़ा लेट आए तो भाई बंद हो गई। हाँ जी, तो मैं कहाँ पर था, अगर थोड़ा लेट आए तो भाई समझ जाना, क्योंकि जो भी हुआ है आपके सामने ही हुआ है, बाकी मैं घर पे जाके ट्राई करूँगा एडिटिंग निपटा कर ही एक सही सोऊं। तो अभी घर पहुँचने वाला हूँ, मतलब देखो क्या होता है घर पहुँच के, क्या हालात होते हैं हमारे नींद के, वैसे अभी तो आ नहीं रही नींद, बाकी हो सकता है मैं एडिट करके एकदम आपको ये 12 बजे ही देखने को मिले। अरे आंटी बीच रोड पर चल रही हो यार, ये कोई बात होती है। सो जी हम फाइनली घर पहुंच गए हैं, टाइम हो रहे हैं 6:05, अब एडिटिंग का मुंह धो के पता चलेगा कि अभी करेंगे या सोने के बाद, तो अगर एडिटिंग हो गई अभी तो ये आपको पूरे 12 बजे देखने को ब्लॉग मिल जाएगा, अगर नहीं भी तो थोड़ा लेट होएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, भाई से रुक गए, तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।